जय धाम जय धाम। हम लाल वाला लाल सोच में रहे नहीं। चलिए ठीक है, इस कमेंट को सबसे पहले हम बंद करते हैं कि बहुत डिस्टर्ब करते हैं। आधा घंटा से पौन घंटा क्लास चलेगा। इस क्लास में हम लोग बहुत बेहतरीन तरह से ऐसे पहलू को छूने के लिए जा रहे हैं, ऐसे पहलू को छूने के लिए जा रहे हैं जो कि रात ना दिन हमारे जीवन के साथ में बहुत बड़ा ताल्लुकात रहता है, उसको हम छूने के लिए जा रहे हैं। तो इस इक्विपमेंट के कृपया करके बंद कर दे या साइलेंट रखे, डिस्टर्ब ना हो। ओके सर, काम हो गया। नाश्ता वगैरह अभी बाद में दे देना, कोई बात नहीं। वो बाद में नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, एक कप खाते रहते हैं। बट मैं आप बैठो, कोई डिटेल बढ़ गया होना चाहिए। यहाँ जो किस काम के लिए आए वो मकसद हमारा पूरा होना चाहिए। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। जय राम। जय राम। तो आज हम लोग आज ऐसे पहलुओं को छूने के लिए जा रहे हैं जो जीवन में हमेशा हमारे साथ, हमारे जीवन की जो एक बहुमूल्य चीज है, और बहुमूल्य चीज के वजह से आज हम लोग जो भी कुछ भी है उसकी वजह से है। वो क्या है? आदर। इससे पहले हम ये चाहेंगे कि हम लोग जो पिछले सप्ताह जो बात किए थे उससे आदमी को कुछ लाभ हुआ? किसको किसको लाभ हुआ था, हाथ उठाए। चलिए ठीक है, आप लोगों को तालियां हो जाए। चलो एक बार धर्मेश का हम लोग याद करेंगे और इस बेहतरीन पहलू का हम लाभ उठाएंगे और धर्मेश से वो दुआ मांगेंगे, वो हम भगवान से कृपा मांगेंगे कि हमें अच्छा और नए काम के लिए हम लोग जा रहे हैं, नए काम के लिए हम कदम उठा रहे हैं, इसमें हमारा माइंड सेट बहुत अच्छा हो। तो इसके लिए हम लोग आँख बंद करके धर्मेश का हम लोग याद करेंगे। तो आप लोग आँख बंद कर लेना, धर्मेश की एक मिनट याद रखना और याद करना ये धर्मेश। आँख बंद कर लो आप लोग, उसमें अपने भगवान को याद करना है कि हे धर्मेश, हे परमात्मा, हे सर्वशक्तिमान, आज हम इस आदिवासी समाज विद्युत शक्ति में आए हुए हम सारे का विचार एकदम पवित्र और शुद्ध हो और हमारे अंदर जो गंदगी है वो गंदगी को निकाल के हम साइड कर। आँख बंद कर ले, अपने आप से बातें करें, भगवान से बात करें। हमारे अंदर अनंत शक्ति है, भगवान का वास है, धर्मेश का वास है, उसको याद करें। आप बोलिए, आप बोलो, आप बोलो। तो आज हमारे समाज में, हमारे रीति रिवाज में, हमारे परिवार में, हमारे आसपास इस प्रकार को कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई भी सरकार का काम नहीं है, या कोई इस प्रकार का कोई हमारे पास माहौल नहीं बन पाता, जिसकी वजह से आप लोग क्या करते हैं, कुछ हम अपने बच्चों को अच्छा सिखाएं और
अपने परिवार को अच्छा सिखाएं, हमारे बच्चों को नेक और अच्छा सिखाते जाएं। इस प्रकार को कोई माहौल नहीं पा पाता है। तो हम लोग आज इस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। कौन सा टॉपिक है आज? आदत, आदत के बारे में। कहते हैं कि आदत, अगर आप गरीब हैं तो आप अपने आदत को देखिए कि आपकी आदत कैसा है। अगर आप अमीर हैं तो आपका आदत देखिए कि आपका क्या आदत कैसा है। अगर आप दुखी हैं तो आप देखिए कि मेरा आदत कैसे है। कहने का मतलब है, आज जो कुछ भी तुम हो, जो कुछ भी मैं हूं, जो कुछ भी हमारा घर है, हमारा परिवार है, सुख का आधार आदत है। आज हम इस आदत के ऊपर चलेंगे, आदत के पहलू को टच करते हुए जाएंगे। आदत क्या है, 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 और आदत के द्वारा हम किस प्रकार की अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं, और किस प्रकार के हमारे आदत की वजह से आज हम नीचे गिरते जा रहे हैं, नीचे गिरते जा रहे हैं, नीचे गिरते जा रहे हैं, नीचे गिरते जा रहे हैं। तो कहते हैं कि आज तुम जो कुछ भी हो अपने आदत के कारण हो। अगर आप अमीर हो तो अपने आदत की वजह से। तुम अपने आदत को किस तरह से डेवलप किया, तुम अपने घर परिवार में किस प्रकार के अपने बच्चों को आदत डलवाया, किस प्रकार से अपने आदत को आपने कायम रखा। कहते हैं कि जो कुछ भी हो आज आदत की वजह से है। अगर दुनिया अमीर है तो अपनी आदत की वजह से। आज आदत हमारा सही नहीं होने के कारण चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इच्छाएं तो बहुत है, हमारे अंदर इच्छाएं बहुत है, बहुत कुछ करने का हमारे पास में एक इच्छा पैदा होता है, लेकिन इच्छा समाप्त हो जाता है और उत्पन्न भी होता है। तो आज हम अमीर हैं तो हमारी आदत को देखो। अगर आप गरीब हैं तो अपनी आदत को देखो कि मेरा आदत कैसा है, सुबह उठने का आदत कैसा है, किसी से हम बात करते हैं तो हमारे बात करने का तरीका कैसा है, हमारा आदत कैसा है। अगर हम उठते हैं सुबह और रात में उठते हैं, और हमारे पहनने का तरीका क्या है। आज हमारे समाज में देखिए, सब कुछ धन है, दौलत है, तमाम तरह का है, लेकिन हमारी आदत कैसा है, हमारी आदत कैसा है, एक गरीब की तरह है, गरीब की तरह है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो हमको क्या करना है, हमारे आदत को आज अमीरी की तरफ हम लोग एक बनाने का कोशिश करेंगे। अगर आपने आदत को आज थोड़ा सा भी आपने टच किया और अपने आदत को ठीक करने के लिए आपने आज से स्थान लिया कि मेरा आदत जो कुछ भी है मैं अपने आदत की वजह से ही हूँ, अगर मैं अपना स्थिति ठीक है तो मेरा आदत की वजह से, और हमारा स्थिति खराब है हमारे आदत की वजह से, तो अपने आदत को ठीक करने की आज हमें जरूरत है। हमारी आदत कैसा है, हमारे आदत एक वीकनेस है, कमजोरी है, हमारा खान पीन सब कुछ हमारा आदत बहुत ही गंदा है। तो हमारे आदत को ठीक कैसे कर सकते हैं, हमारे आदत को तब ठीक कर सकते हैं। अभी देखते हैं बहुत सारे आदमी को आदत कैसा होता है, जब उठते हैं, उठने के बाद में पिछले बार हमें अगर बताया थे, उठने के बाद हमें क्या करना चाहिए, अपना आदत कैसे करना चाहिए, हमें कहा को याद करना चाहिए, बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि हे बच्चों आप अपना आप मतलब सुबह उठते ही आपको इस प्रकार का आदत का डेवलप करना चाहिए। फर्स्ट में आपको भगवान का नाम लेना चाहिए, पानी पीना चाहिए, इस प्रकार का आदत डालो, और उसके बाद में अच्छी अच्छी किताब पढ़ने का आदत डालो। मतलब कहने का मतलब सक्सेसफुल एंड असक्सेसफुल, सफलता और असफलता का सबसे बड़ा कारण है आदत। आदत अगर आपको सफल होना है तो आदत देखिए। आज क्या करते हैं, आदमी को स्टूडेंट को पढ़ना है तो क्या कर रहे हैं, यहां से जा रहे हैं ट्यूशन जा रहे हैं, यहां से जा रहे हैं ट्यूशन करने के लिए जा रहे हैं, और स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, यहां कहने का मतलब यह है वो ऐसा आदत बना रखा है, यहां से वो नागपुरी गाना सुनते हुए जा रहा है, डिस्को गाना सुनते हुए जा रहा है, तो उसके अंदर में कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकता है। कहने का मतलब आप जो काम कर रहे हैं, आपके अंदर जो इच्छा है, उस इच्छा इसको बोलते हैं आप अपनी इच्छा को है, उस इच्छा को आपने क्या करना, बेहतर करते जाना है, बेहतर करने जाता है जाना है, और इच्छा जो है उस इच्छा को क्या करना है, एक इच्छा रखो। हमारे पास तो रोज इच्छा बदलते रहती है, कभी कभी ये करें,
कल ये करें, कभी ये करें, कभी ये करें, कभी ये करें, मतलब इस प्रकार के हमारी इच्छाएं बदलते रहती है। तो मैं बच्चों से ये कहना चाहूंगा, आप जिस क्षेत्र में जाते हो, कोई भी काम करना चाहते हो, अभी आपका पढ़ाई का इच्छा है, पढ़ाई का आपका समय है, इस समय का बहुमूल उपयोग कीजिए और अपने आदत को डेवलप कीजिए कि आज के बाद में अगर अगर हमें आदत को ठीक कर लिया तो कहते हैं कि कितने भी आपके पास समझदारी है, कितने भी आपके पास अक्ल है, कितने भी बुद्धि है, लेकिन आपके अंदर अगर उस आदत गलत है तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए नहीं होगा। खाली बनती ताकि मेरे को भी उमंग हो, ठीक है ना, संकोच नहीं करना। यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, आदिवासी समाज नेतृत्व शक्ति का ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए कि हमारे समाज में अभी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा हम किस प्रकार के हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को आदत को ठीक करने के लिए पहले हम ठीक होंगे, खुद ठीक होंगे कि मेरा आदत कैसा है कि हमारे बच्चे हमारी बात आज नहीं सुन रहे हैं, मेरा परिवार का आज क्यों तहस नहस हो रहा है, मेरा कैसे आदत है। अब हम लोग तो आदत बिगाड़ रखे हैं और बोलते हैं कि बच्चे नहीं सुन रहे हैं, लड़कियां नहीं सुन रहा है, लड़के नहीं सुन रहा है, क्यों सुनेगा भाई, तुम सर नालायकों की तरह तुम बना लिया, अपने आदत को बना लिया है, गद्दारों की तरह बना रखा है, तुम अपना जालिम बना रखा है, सुबह हुआ शाम हुआ सारा दिन तुम दारू पी रहा है, दारू पी रहा है, दारू पी रहा है, और कहो तुम आदत बच्चों को सुधरो, नहीं सुधरेंगे। आप यहाँ पर जितने भी आए सारे सज्जनों से, सारे मेहरबानों से हम कहना चाहेंगे और सारे हम मानने वालों से कहना चाहेंगे कि आज आदत के बारे में हम बात कर रहे हैं, हमें आज ऐसी आदत बनाने की जरूरत है जो सफल आदमी का एक आदत बनती है। एक सफल आदमी लोग जो आदत बनाते हैं और सफल लोग जो करते हैं और जहां पर जाते हैं, जिस प्रकार को सोचते हैं, किस प्रकार को विचार करते हैं, कहां पर जाते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, कैसे फ्रेंड सर्किल होता है, किस प्रकार को उनके साथ में रहन सहन होता है, किस प्रकार उनके खाने पीने का तरीका होता है, किस प्रकार को चलने फिरने का तरीका होता है, कहां पर जाते हैं, तब सफलता मिलेगा, तब सफलता मिलेगा। अपने आदत को आप बिल्कुल सही करने की कोशिश कर रहे हैं। सही कहने का मतलब क्या होता है, अभी क्या होता है कि हम जो सफल होते हैं क्या करते हैं, सफल होते हैं क्या करते हैं, वो काम करते हैं जो पसंद नहीं लगता, वो काम करते हैं जो पसंद नहीं लगता, उसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो कर करके आदत बना लेते हैं। सफल होने वाला आदमी दारू नहीं पी के 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 आदत बना लेते हैं, और असफल आदमी क्या करते हैं, दारू पी के लगातार पीते रहते हैं, लगातार हो रहते हैं, लगातार काम करते रहते हैं, लगातार उसको सेवन करते रहते हैं, तो वो आदत बना लिया। तूने पीने का आदत बनाया, उसमें मजा है। आदमी लोग करता क्यों है, एक तरफ दर्द होता है और एक तरफ मजा आता है, एक तरफ दर्द होता है एक तरफ मजा आता है, शराब पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, एक दूसरे से लड़ भिड़ रहे हैं, मजा आ रहा है, एक दूसरे को टाइम पास कर रहे हैं, मजा आ रहा है, लेकिन मजा से आपकी जिंदगी में परिवर्तन नहीं होगा। आपके हमारी जिंदगी में मजा से मतलब आपको और हमारे बच्चों में बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ा चीज नहीं हो सकता। हमको आज आदत को देखना है, हम जो कुछ भी हैं, आज कह रहे थे पहले ही, अगर हमारे बच्चे नहीं सुनते हैं तो समझ लेंगे, आप अपने आदत को देखिए। हम गार्जियन से पूछना चाहेंगे, लड़का लड़की लोग नहीं सुनते हैं तो हम माँ बाप अपना आदत को देखिए कि मेरा आदत कैसे है। आदत बहुत बड़ा एक फैक्टर है, आप आज से आदत बना लीजिए। सफल आदमी का क्या आदत होता है, आप मोबाइल बंद कर दो, मोबाइल कर दो, बंद कर दो, क्या हो गया, कोई ऐसा मत करना जिसमें कि हम अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे बात को बताएंगे जिंदगी में कभी आप लोग सुना नहीं होगा। आपका जिंदगी यहां से एक करवट सफलता को अगर बढ़ सकता है।
आधा घंटा का 15-20 मिनट का क्लास होगा। पहले जितने भी यहाँ आए हुए हैं सारे को दोबारा मैं कहना चाहूंगा कि एक बार बेहतरीन तालियां के साथ आप अपने माइंड को एकाग्र करें। सफलता एक आदत है। यहाँ मेरे शब्दों का जो बात हो रहा है उसको जानने की कोशिश करें। जो मैं आपको एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, जो आपके अंदर में एक सफलता और एक खुशी इंसान और एक विकास की मार्ग पर चलने वाला या विकासशील आदमी का क्या आदत बनती है उसको हम छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सफलता एक आदत है। कहते हैं कि कितना भी आपके पास तर्क है, कितना भी आपके पास विचार है, कितना भी बुद्धि है, लेकिन वो बुद्धियों से भी बड़ा एक आपका जो आदत है, केवल आदत बना लीजिए तो तेरे पास कुछ भी नहीं है। आप नलायक हो, मतलब नलायक मतलब कहने का मतलब आपके पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, किताबी ज्ञान नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं है, लेकिन केवल एक आदत बना लो, एक आदत बना लो सफल होने के लिए और चलते रहो, आप बिल्कुल सफलता के मार्ग पर चलेंगे और मान सम्मान इज्जत मिलेंगे। आ रहा है सबको समझ में? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। आ रहा है आपको? आ रहा है नहीं आ रहा है आपको? आ रहा है ना। तो बेटा आज से आपने अपने दिमाग में ये रख लो कि हमको आदत कैसे बनाना है। अपने आदत के ऊपर गौर करें, आदत के ऊपर विचार करें कि मेरा आदत कैसे है, सुबह उठने का तरीका कैसा है, अब उठने के बाद हम करते क्या है। तो कहने का मतलब जब आदत का निर्माण होता है उसका चार फैक्टर होता है शुरुआती दौर में। पहला होता है कि जब बच्चा जन्म होता है तो उसको कुछ नहीं रहता, उसको क्या है क्या नहीं है एकदम खाली। उसका बाद में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो बड़ा होने के बाद में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा हमारे हरकत देख के जानना शुरू कर देते हैं, सीखना शुरू कर जाते हैं, अंदर उसके अंदर में एक व्यू पैदा होना शुरू हो जाता है। और व्यू पैदा होने के बाद में फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसके अनुसार हम जो करते हैं, जो हम हरकत करते हैं, जो व्यवहार में लाते हैं उसका बच्चा लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अगर आपके घर में अगर आदत अच्छा माहौल बना रखे हैं कि सुबह उठा, उठने के बाद में आपने भगवान का नाम